अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक फिर नई चीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये एक डेटा केबल है 2-in-1, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त डेटा केबल है ये। 2-in-1 है, यानी कि आपका इसके अंदर टाइप सी भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड बी टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 1.5 मीटर की डेटा केबल है, 1.5 मीटर की डेटा केबल है, ठीक है। इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग में आई है, हवावे की ओरिजिनल है अपनी, ठीक है। पैकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी, कोडिंग वगैरह सब लिखी हुई है इसके ऊपर, स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। इसको अनबॉक्स करते हैं, उसकी क्वालिटी आपको दिखाते हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी जगह से हैं और ऑर्डर देना चाहें तो वीडियो के नीचे, बिल्कुल नीचे, ऑर्डर नाउ के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पर क्लिक करके अपना नाम, नंबर, एड्रेस, अपना ऑर्डर दे सकते हैं। ये डेटा केबल आपको सिर्फ और सिर्फ 400 की पड़ेगी, 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस के साथ 500 आपके टोटल होंगे, ठीक है। 500 के अंदर बजर या TCS आपको ये केबल मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी केबल है, देखें गाइस, काफ़ी अच्छी मोटे तार की केबल है, 100% कॉपर वायर है। और इसके अलावा इसके दोनों जैक्स दिखा देता हूँ मैं। ये USB जैक है, दोनों मैं आपको हवावे के दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये बी टाइप है, बी टाइप को सी टाइप बनाने का तरीका ये देखें, इसके कनेक्टर आगे लगता है और ये इस तरह से लग जाता है। ये लगा दिया कनेक्टर और ये सी टाइप बन गई गाइस। अगर आप टाइप सी का कोई मोबाइल आपके पास वो यूज़ करना चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बी टाइप इसको बनाना चाहें तो इस आगे से कनेक्टर निकाल कर उसको बी टाइप बन जाएगी। अच्छी केबल है ये और 100% कॉपर वायर के साथ है, ये बॉक्स के साथ मेरे पास मौजूद है। ये केबल जो है 100% फास्ट चार्जिंग करती है, बहुत जल्दी चार्ज करती है। मतलब एक तो चार्जर का भी कमाल होता है और एक होता है आपने डेटा केबल अच्छी लगा ली तो वो फास्ट चार्ज करेगी, स्लो चार्ज नहीं करेगी, फास्ट चार्जिंग केबल है, ठीक है। हवावी की ओरिजिनल, इसलिए ब्रांड तो ब्रांड होता है भाई, और अच्छी चार्जिंग केबल अच्छा चार्ज करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अली मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।